तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त टिंकू, आप देख रहे हो टिंकू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं आ चुका था प्लॉट पे और आज हमारे पास अंकित भाई आए हैं। अभी मैं आपको ना अंकित से मिलवाता हूँ। और अंकित भाई कैसा है? भाई बढ़िया, क्या हाल है? बढ़िया, काफी दिनों में आया यार तू। तो भाई मेरे को है ना बनक लगी थी कि है ना तू न्यू पपी लेके आया भाई, काफी मस्त पपी है। तूने भाई मेरा स्टेटस नहीं देखा? भाई स्टेटस नहीं देखा, व्हाट्सएप चलाता होगा? हाँ, व्हाट्सएप पे भाई मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। क्यों? बस ऐसे ही भाई, टाइम नहीं मिलता, तेरे को तो पता ही है। हाँ भाई। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ। कई दिनों में आया तू भी? भाई ये आएगा जब ही तो आऊंगा। अरे तेरा साथी है पक्का? हाँ भाई, तू जिम में चला जाता है तो फिर तेरे को अच्छा। पता है शाम को टाइम हो जाता है 6:30 बजे आता है, फिर भाई तेरे को पता ही है व्लॉग शूट करने में दिक्कत आती है। आज का क्या प्लान है? तो भाई आज का पहले तो भाई तुम्हारा न्यू पपी देखेंगे हम कैसा है। अच्छा भाई। और भाई तेरे को तो पता ही है फिर आज जंगल में चलना भाई, बोल पकड़नी है, क्योंकि भाई हमें बॉडी बिल्डिंग वाला बंदा चाहिए, कट्टा कट्टा ऐसे नो टोले सोले हो जिसके भाई के। तो चलेंगे थोड़ी देर में, अभी एक दो बंदे और ले लेंगे साथ में, ऑफिस से अपना डंडा ले लेंगे, ऑफिस से हम डंडा उठा लेंगे ताकि कोई भी जानवर वगैरह हो वहाँ पे। भाई रोंज भी देखी है? हाँ भाई मैंने भी देखी थी रोंज, तो कम से कम 7-8 रोंज है उस जगह पे भाई। अच्छा भाई, मैंने इतनी नहीं देखी थी, पर देखी थी एक दो देखी थी मैंने तो। और भाई वोल्फ भी है, और भाई मोर भी, मोर तो काफी सारे है, वे चिल्लाते रहते। और भाई 3-4 तो कुए भी मिले भाई, वहाँ पे जाते अजीब सा कुछ होने लग जाता है भाई। मैंने मोर नहीं देखे अभी तक। और भाई एक बार तो है ना हंटर वोल्फ के पीछे भाग गया था, मैंने बोला था कि है ना अगर वोल्फ दिखे ना तब छोड़ दियो, इस पागल ने छोड़ दिया और वोल्फ दिखी एकदम उस साइड में। हाँ। तो भाई हंटर भाग गया था, बहुत मुश्किल से पकड़ा, और ये हंटर हंटर चिल्ला रहा इसको क्या पता, उसको सुनाई नहीं देता, उसी दे भाग गया। हाँ भाई, इसको पता नहीं है ना अभी वो बह रहा है, कांटे चुभ गए थे भाई पैरों में। अच्छा भाई। और भाई कैसा लगा पपी? भाई बहुत अच्छा है, यूनिक सा कलर है भाई, यूनिक तो है ही, लोग इस चीज के लिए मरते हैं, यूनिक कलर है। हाँ, ये देखो इसका नाम बताऊं भाई? बता भाई, तूने क्या सोचा है? भाई मैंने रुस्तम रखा है। रुस्तम, तू बता। मैं सोच रहा हूँ भाई ओस्कर नाम अच्छा लगेगा इस पे। ओस्कर कोई नहीं, अभी तो तू कहेगा तो चेंज कर देंगे। हाँ, ओस्कर अच्छा नाम है भाई इसका। अच्छा हाँ, तो इस डेविल को देखो, डेविल बीच में बीमार हो गया था और अब देखो फिर से रिकवर हो गया। और गाइस ये ना इतना अच्छा पपी बनने वाला, जब ये बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा मार्ले कलर में काफी डॉग्स होते हैं, मिक्स कलर होता है जिनका। और ये भाई अमेरिकन बुली लग रहा है मेरे को। अमेरिकन बुली है भाई, एक्सल साइज है। एक्सल साइज है। हाँ, इसके मदर फादर है ना चाइना इम्पोर्ट है भाई। अच्छा। बिल्कुल जबरदस्त है। हाँ। मदर फादर तो एकदम भयंकर है भाई। कम से कम इतना ऊंचा हो जाएगा भाई फिर तो। हाँ भाई इतना ऊंचा हो जाएगा इतना भारा मुंह हो जाएगा भाई। हाँ भाई जबरदस्त लगेगा, देखियो तू। मैं अब ना बस एक साल वेट करना, मैं तैयार करना है इसको दिल लगा के, एक साल में अच्छा हो जाएगा। ये देखियो कितना मस्त कलर है इसका। हाँ भाई बोन देख अभी से पहले ही। हाँ। नॉर्मल पपी के नहीं होते भाई ऐसे। हाँ। भाई कलर देख के भाई हैरान हो गया मैं तो, इसका कलर देख के, देखियो है ना बेटे मस्त है भाई। और ब्लू आईज है इसकी। हाँ भाई अभी तो ब्लू है लेकिन बड़ा होता है, बड़ा होगा ना तब देखेंगे कैसी क्या रहती है। देखियो ऐसा लग रहा कंबल पकड़ लिया हुआ है, मैं ऐसे बाल इसके सॉफ्ट है भाई ये। तो गाइस इन सभी को देखो कितने मस्त तरीके से ना खेलने लग रहे हैं अंकित भाई, मजा आता है ना यार इनको देखने में। हां भाई देखियो कैसे खेल रही है, काफी मजा आता है यार। डेविल है ना मेरे को ना बिल्कुल शैडो जैसा लगता है। हां शैडो जैसा ही है भाई, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत हाइट का ही होगा। हां भाई बस हाइट का ही फर्क है। और इसको देखो चिंदी को, ये भाई की गोद में सोने लग रहा है। चिंदी चोर कितना मस्त है। हां भाई डेविल ने ग्रिप लगा ली भाई, डेविल मस्त ग्रिप लगाता है ये ना, पहले नहीं लगा पाता था भाई डेविल बिल्कुल भी ग्रिप। हाँ भाई अब बड़ा हो गया ना, और ये ना आपस में पैर वगैरह मार देते तो इसी वजह से ना इनकी ग्रिप छूट जाती है। ये पहले भाई बिल्कुल पागल था डेविल चिराग, क्योंकि है ना पहले भाई डेविल बिल्कुल पागल था, इससे जब लोग नहीं लगता था ना तो ये ना मी चैन की पूछड़ पकड़ लेता या बरौनी कोई बुड़का भर लेता था। नहीं भाई काटता नहीं था, बस खेलता था इनके साथ काटता। तो गाइस अभी है ना एक ना गुड न्यूज मिली है, अंकित भाई ने ना हमें बताया कि आज हमारे साथ है ना जंगल में ना वोल्फ पकड़ने ना वो हंटर जाएगा साथ में, और ना डरने के ना कोई भी बात नहीं, हम पूरा प्रबंध करके जाएंगे। और अभी हम ना चलते सीधा हंटर के पास। तो गाइस अभी हम आए थे राहुल के प्लॉट पे और ताड़ा लगा हुआ है, हम थोड़ा लेट हो गए भाई, पहले चले गए, तो कोई नहीं आज हम जाएंगे, फिर मिलते हैं आपको जंगल के एंट्री पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे भाई के ऑफिस पे, और ना अभी सामान उठा लेते और चलते हैं सीधा जंगल में। तो गाइस अभी हमने ना सारा सामान ले लिया है और हाँ भाई रेडी है, चल चल अंदर। तो गाइस अभी ना अंधेरा होने वाला है और अब हम ना सीधा चलते हैं अंदर, और आज ना वोल्फ पकड़ के ही रहेंगे, हमने ना सारा सामान ले लिया है तो चलो सीधा अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर ना छोटा भाई ना टॉप क्लास हस्की घुमा रहा है, इसमें ना फुल एग्रेशन है, भाई को देख के ना फुल एग्रेसिव हो रहा है। अरे भाई नहीं नहीं नहीं
भाई ये वाला पपी यार एग्रेसिव तो फुल है भाई, फुल एग्रेसिव है ये, अंटर आता ना जब भी एग्रेशन दिखाता उसके पास उसके उसका सामना करने के लिए आता लेकिन भाग जाता जब उसका साइज देखता है। भाई तू पागल है क्या, एंटर का सामना करेगा भाई, ये पागल हो रखा है, एंटर का सामना कर लेगा भाई, पागल है ये सही में। तो गाइस अभी हम ना जंगल की एंट्री पे आ चुके हैं, देखो गाइस अंधेरा हो गया। अंकित भाई हाँ डर लग रहा है यार, अंधेरा हो गया भाई, अभी डर कहाँ से लगेगा, अभी तो हम गए भी नहीं है जंगल की तरफ भाई, लगने तो लग रहा है भाई। कोई नहीं यार, उमस कुछ ज्यादा नहीं होगी भाई, बहुत ज्यादा देखियो क्या हो गया। तो गाइस पसीने देखो भाई ये कितने आ रहे हैं, और अभी तो हम आ जाना लेट आए हैं, चल भाई चलते अंदर चलते हैं। तो गाइस ये रास्ता ना थोड़ा डरावना सा है क्योंकि यहाँ पर है ना झाड़ी झूड़ी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर डर लगता है बहुत ज्यादा। तो गाइस मेरे देखो अभी से पहले ना कितने ज्यादा पसीने आने लगे, और जैसे जैसे अंदर जाएंगे ना उमस है ना बढ़ती जाएगी, और है ना गर्मी है ना और भी ज्यादा लगने लगेगी। और आज हमें ना वोल्फ पकड़ना है, और है ना देखते आज पकड़ा जाता है या नहीं, हम ना अपना पूरा 100% देंगे। तो चलो अंदर चलते हैं ना आराम आराम से, और आपको ना जो भी रास्ते में है ना पूरा दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं रात्रि। तो गाइस बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है, और है ना यहाँ पर है ना अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। अंकित भाई आवाज देख कितनी भयंकर आने लग रही है, आगे चलें यार, तेरी हालत देख कितने ज्यादा पसीने आ गए यार तेरे को भाई, काफी पसीने आ गए है ना, हरारत सी हो गई और भाई कंधे दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो गाइस हम है ना आते टाइम है ना अपने साथ ना डंडा लिए थे, ताकि कोई भी दिक्कत होगी ना हम देख लेंगे, और डंडा है ना तो टेंशन मत लो, डरेंगे नहीं। अंकित भाई यार जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना आवाज है ना और भी तेज होती जा रही है, और है ना कुछ अजीब सी आवाज आ रही है यार। हाँ भाई काफी ज्यादा अभी काफी ज्यादा अजीब आवाज आ रही है भाई। तो गाइस मेरे पसीने देखो कितने ज्यादा आ गए यार, मेरी तो ऐसी तैसी हो चुकी है यहाँ पे जंगल में आते टाइम। अब देखते हैं हम वोल्फ पकड़ने आए, अभी आगे जाके ना पूरी प्लानिंग करेंगे कैसे क्या पकड़ना है। तो अब ना धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम ना कुएं के पास आ चुके हैं। अंकित भाई सही कि आज हम टॉर्च ले आए ना, दूर का दिख जाएगा थोड़े का। एक और टॉर्च है, अगर इसकी बैटरी खत्म होगी तो मेरे पास एक्स्ट्रा टॉर्च है, दो टॉर्च है। हाँ भाई भाई वहाँ से ना आवाज आ रही है यार, शांत हो जाओ, देखो बिल्कुल शांत होके फील करना। लग तो मेरे को भी रहा भाई, अंधेरा कुछ ज्यादा ही हो गया यार। अंकित भाई आगे चलना सेफ है क्या भाई, वो आवाज आ रही है उधर से, आगे चले। हाँ भाई आगे चलते हैं। भाई कुछ है भाई, भाई एक बार आराम से मार, आराम से मार, आराम से आगे मार, आगे मार भाई, जोकर है तो यार, जोकर है यार, ओए ओए मार मार मार, उसमें टॉर्च मार, चल आगे चल तू सर, एक बार पकड़ चल उसको, ओ चल ओए ओए कौन है डंडा लेकर भाग, भाग इसके पीछे, ओ जोकर ओ भाई रेड दे, ओ रेड दे, रेड दे वापस आ, ओ भाई तू गाइस भाई वापस आ यार, चल ना भाई जल्दी चल ओए भाई, चल रे भागना हमें भाई उधर, चल जल्दी जल्दी चल भाई, भाई आवाज यहां से आ रही है यार, ओए जोकर है, अरे अभी वहां भागा था, टॉर्च मार भाग गया जल्दी आ, अरे भाग इसके पीछे भाग, अरे आ गया तू, ओ भाग गया गाइस। तो गाइस हमें ना वोल्फ पकड़ने आए थे, लेकिन हमको ना यहाँ पर जोकर दिख गया, जोकर के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, पता नहीं गाइस यार सीन हो गया तगड़ा है। तो अभी हमें ना बिल्कुल बाहर आ चुके हैं जंगल से, फिर कभी है ना पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे और लोगों से पूछेंगे जोकर का राज क्या है। तो चलो अब सीधा ना प्लॉट पे चलते हैं।